तो आपने अभी अपने स्कूल के टाइम में या किसी भी फंक्शन में किसी भी समय कभी ना कभी तो स्पीच डिलीवर किया होगा। आज हम उसी स्पीच के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जब आपको स्टेज पर बुलाया जाता है, आप स्टेज पर पहुंचते हो तो आप कहते हो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द स्टेज। फिर आप एड्रेस करते हो वहाँ के ऑर्गेनाइजर को, वहाँ के मैनेजर को, तो कैसे करते हो? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द स्टेज। फिर आप अपनी बात को रखते हो, यही होता है स्पीच। स्पीच का मतलब कोई बात आप किसी के सामने प्रस्तुत करना, अपने विचारों को रखना। तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं, यही हैं स्पीच के पार्ट्स। जैसे थैंक यू कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यू कौन सा पार्ट्स स्पीच है, फॉर कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इनवाइटिंग मी एंड सो ऑन, ऐसे कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर आपको मोबाइल बनाना है तो मोबाइल बनाने के लिए किस किस पार्ट्स की ज़रूरत होगी। जैसे कि आपको एक बॉडी की ज़रूरत होगी, एक कवर होगा, एक मदरबोर्ड होगा, बैटरी होगी, चार्जर होगा, और भी कुछ चीज़ें मिलाकर आप मोबाइल तैयार करोगे। तो मोबाइल क्या हो, मोबाइल एक स्पीच मान लीजिए, और इसके जो इसको बनाने के लिए जो पार्ट्स की ज़रूरत होगी उसको आप पार्ट्स मान लीजिए स्पीच। अब उसी प्रकार देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने पार्ट्स होते हैं। जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो जिस तरह से मोबाइल बनाने के लिए बॉडी, कवर, मदरबोर्ड, बैटरी, चार्जर, ये सब की ज़रूरत होगी हुई, उसी तरह किसी भी स्पीच को बनाने के लिए आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन की ज़रूरत हुई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अब इसके एक एक पार्ट्स के बारे में हम शॉर्ट में ओवरव्यू समझेंगे। डिटेल्स का क्लास हमारा नाउन का, प्रोनाउन का, यानी पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का अलग अलग वीडियो बनेगा। आज हम केवल इसके ओवरव्यू को देखेंगे, एक्चुअली में क्या है ये। दोस्तों, तो पहला हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन। नाउन मतलब संज्ञा। मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को भी साथ लेकर चल रहा हूँ ताकि उनको भी अच्छे से समझ में आए। नाउन क्या है? नाउन का डेफिनेशन आप बचपन से सुनते आए हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग। हम भी लिख देते हैं, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये बहुत ही फेमस डेफिनेशन है नाउन का, हर बच्चा ये जानता है। लेकिन इस डेफिनेशन के अलावा भी कुछ दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज़ उपस्थित है, जो भी कुछ उपस्थित है, सभी का नाम है और उसी नाम को हम नाउन कहते हैं। अगर उसको कैटेगराइज किया जाए तो कुछ लिविंग थिंग्स है इस ब्रह्मांड में, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स में एनिमल्स आ जाएंगे, मैन आ जाएंगे, और नॉन लिविंग थिंग में सभी प्रकार के आर्टिकल्स आ जाएंगे, दुख, सुख, खुशी, ये सब भी जो फीलिंग्स है वो भी आ जाएंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं नाउन का, मैन, बॉय, मोबाइल, लैपटॉप, शाहगंज, जौनपुर, टाइगर, लायन,
ये सब क्या है, सब किसी न किसी व्यक्ति के, किसी न किसी प्लेस के, किसी न किसी थिंग्स के नाम है। जैसे देख लीजिए आपका हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, ब्यूटी, ये सभी नाम है। हैप्पीनेस को आप देख नहीं सकते, आप केवल महसूस करते हैं। कुछ महसूस करने वाले जो है नाउंस है, जिसको आप केवल मतलब जिसकी बॉडी नहीं होती, जिसको केवल फील कर सकते हैं। तो आप भी देखिए फिर से, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग, यानी कोई भी नाम है तो वो नाउन है। वो नाम क्या हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई थिंग्स हो सकता है। पर्सन में देखिए मैन, वोमेन, बॉय, मोबाइल, लैपटॉप, किसी का नाम हो सकता है, जैसे मोहन, जैसे जसवीर, सो ऑन, ऐसे हो सकते हैं। अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको समझने के लिए आप अपने आसपास देखिए कि आप कितने प्रकार के नाउन से घिरे हुए, कौन कौन से नाउन आपके पास है, कमेंट करिएगा। अब मैं इस क्लास में हूँ तो ये बोर्ड भी हमारा नाउन है, ये चौक भी हमारा नाउन है, ये जो टॉपिक है वो भी हमारा नाउन है, मोबाइल है, चेयर है, फैन है, सब नाउन है। आप भी हमारा दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मींस क्या होता है, मतलब क्या होता है, फॉर ए नाउन, यानी नाउन, किसी नाउन के लिए। डेफिनेशन यहीं से थोड़ा सा क्लियर हो जा रहा है, डेफिनेशन भी समझते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन। किस लिए प्रयोग किया जाता है, नाउन के रिपीटेशन के लिए, नाउन के रिपीटेशन के को अवॉइड करने के लिए, यानी उसको अनदेखा करने के लिए, उसको बार बार रिपीट ना हो एक नाउन, उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन। एग्जांपल देखते हैं, जैसे जसवीर एक लड़का है, जो है जसवीर, ठीक, एक लड़का है जसवीर, और हम ये कह रहे हैं जसवीर इज ए गुड बॉय, जसवीर इज ए गुड बॉय, He loves to read. He obeys his parents. He goes to school daily. चलिए, एक लड़का है जिसका नाम जसवीर है, जसवीर इज़ ए गुड बॉय। मैंने कहा जसवीर एक अच्छा लड़का है, ही लव्स टू रीड, उसे पढ़ना अच्छा लगता है, वह पढ़ना पसंद करता है। ही ओबेज हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता के आज्ञा को मानता है। ही गोज टू स्कूल डेली। तो हमने एक बार एक नाउन का प्रयोग किया, वो है जसवीर। अब इस जसवीर के प्लेस पर हमने ही का प्रयोग किया, यही हो गया प्रोनाउन। यानी इस नाउन के प्लेस पर प्रयोग होने वाला शब्द ही इसका प्रोनाउन है, और प्रोनाउन इसे ही कहते हैं कि ऐसा शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है, उस शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। गॉट इट। देखिए, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट यूज इंस्टीड ऑफ ए नाउन टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन, यानी किसी नाउन के प्लेस पर यूज होता है, उस नाउन के बार बार रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए। यानी इस जसवीर, 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 बार बार हम कहते हैं कि जसवीर इज ए गुड बॉय, जसवीर लव्स टू रीड, जसवीर ओबेज हिज पेरेंट्स, जसवीर गोज टू स्कूल डेली। तो बार बार ये जसवीर शब्द आ रहा है ना, इस नाउन का रिपीटेशन हो रहा है, इसी को अवॉइड करना है, इसी को, इसी के स्थान में कुछ दूसरा शब्द प्रयोग कर देना ही क्या है, प्रोनाउन है। क्लियर। प्रोनाउन देखिए, मेजर जो प्रोनाउन है, जिसको, जिसे आप बार बार देखते होंगे, वो है ही, शी, इट, दे, रा, दे, वी, यू। ये सब कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं जो आपको हर जगह पूरे इंग्लिश में देखने को मिलते हैं। इसके बाद अभी तो ये तो बेसिक क्लास है, अभी आप केवल इंट्रो है कि प्रोनाउन क्या है। बाद में डिटेल्स में हम पढ़ेंगे कि प्रोनाउंस कितने टाइप्स के होते हैं, क्या फंक्शन है उसके, ये सब, इसके केसेस क्या हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। अगला जो है हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो है एडजेक्टिव।
अगला जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। विशेषण इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज दैट एक औरत है और उसे शादी में जाना है। वो जो है ब्यूटी पार्लर में गई और दो घंटे बाद वापस लौटी अपने पति का जेब खाली करके, और फिर देखा, लोगों ने उसको देखा तो कहा यू आर ब्यूटीफुल। यानी पहले देयर इज ए गर्ल द गर्ल इज ब्यूटीफुल। हमने कहा द गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी एक लड़की थी और वो लड़की क्या है, सुंदर है। यानी जब वो औरत ब्यूटी पार्लर से वापस आई तो कुछ बदली हुई सी नज़र आ रही थी, बहुत सुंदर नज़र आ रही थी। तो पहले वो उतना सुंदर नहीं थी, मेकअप पार्लर से निकल के आई तो वो बहुत सुंदर लगने लगी। तो एक शब्द आ गया आपके उसके साथ जुड़ गया कि सुंदर। यानी मीरा इज ए वोमेन, शी इज ब्यूटीफुल। मीरा एक वोमन थी और वह क्या है, सुंदर है। ये सुंदर शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ, वोमेन के लिए, मीरा के लिए प्रयोग हुआ। तो यहीं से हमारा डेफिनेशन निकल के आता है कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव है एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट कम्स बिफोर और आफ्टर, बिफोर ए नाउन और आफ्टर वर्ब एंड क्वालिफाई दैट क्वालिफाइज दैट नाउन और प्रोनाउन। यानी अब तक आपने देखा कि एक नाउन है, एक प्रोनाउन है। अब आपने देखा कि उस प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द है, यानी उस प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले, उसके बारे में कुछ बताने वाले, अच्छा है, बुरा है, लंबा है, मोटा है, और स्मार्ट है, हैंडसम है, दूर है, नज़दीक है, ऊपर है, नीचे है, बाहर है। ये सब शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, जो किसी की, नाउन की, किसी प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करते हैं, विशेषता बताते हैं, यानी उसके बारे में कुछ वर्णन करते हैं। और नाउन कई प्रकार के होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ टाइम, एडजेक्टिव ऑफ पर्सन प्लेस, एडजेक्टिव ऑफ रीजन, बहुत सारे जो है एडजेक्टिव्स हैं, जैसे कि गुड, बैड, टॉल, स्मॉल, फर्दर, ये सब कुछ नाउन है, ब्यूटीफुल, हैंडसम, ये सब कुछ नाउन है, सॉरी ये सब एडजेक्टिव हैं, जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो है वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। देखिए क्रिया क्या है, जब कहीं फिल्म शूटिंग होती है तो डायरेक्टर बोलता है एक्शन। एक्शन मतलब जैसे ही वो एक्शन बोलता है, हमारा एक्टर एक्ट्रेस कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने लगते हैं, सॉन्ग करने लगते हैं या फिर रोमांस करने लगते हैं, कुछ एक्टिविटी करने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार से इंग्लिश में जो वर्ब शब्द है उसको भी एक्शन से रिलेट किया गया है। यानी ए वर्ब इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एनी एक्शन
आर स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग। देखिए, यानी वर्ब वह शब्द है जो किसी एक्शन को एक्सप्रेस करता है, एक्शन को परफॉर्म करता है या किसी स्थिति को प्रदर्शित करता है। मैंने कहा मोहन रीड्स अ बुक, मैंने कहा आई एम टीचिंग यू। तो यहाँ पर मोहन किताब पढ़ता है, यानी किताब पढ़ने का एक काम करता है, एक्शन करता है, यानी किताब खोला और उसको पढ़ रहा है, यानी अपनी फिजिकल एक्टिविटी उसमें कर रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग यू, तो टीचिंग क्या हो गया, पढ़ाना, एक वर्ब हो गया। रीड क्या हो गया, एक एक्शन हो गया, वर्ब हो गया। इसी प्रकार यू आर जीनियस, यू आर जीनियस, तो आप क्या है, जीनियस हैं। ये आपकी जो है स्टेट्स है, इस ये आपकी अवस्था है कि आप जीनियस हैं। इसी तरह से ही इज ए गुड बॉय, तो वह है, क्या है, इज यानी गुड बॉय है। यानी इसी तरह स्टेट्स होते हैं, जैसे बचपन होता है अवस्था है, और यूथ होता है, ये भी अवस्था है। तो आपने देखा कि वर्ब क्या है, वर्ब है एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। यानी जिस शब्द से आपको पता चले कि इससे कोई एक्शन का बोध होता है उसको हम कहते हैं वर्ब। जैसे हंसना, गाना, दौड़ना, उठना, बैठना, मारना, पीटना, देखना, सुनना, ये सब क्या है, वर्ब है। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का केवल 4 पार्ट ही इस वीडियो में दे रहा हूँ। नेक्स्ट 4 पार्ट मैं अगले वीडियो में दूंगा, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 2 होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनता है, मैं आपसे ऐसी एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप केवल आपको एक बटन दबाना है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और भी आपके लिए आगे वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।